चला गया चला गया, छोड़ के हम लोग को चला गया। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना भीड़ काहे को है? मर गया। अरे कौन मर गया? तुमको नहीं पता है कौन मरा है? अरे नहीं हमको नहीं पता है, अगर पता होता तो आपसे पूछते। पीएम मर गया। अरे क्या बोल रहे हैं, पीएम मर गया? कैसे मर गया पीएम? 8-10 आदमी मिल के पीएम को मार दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं, जब 8-10 आदमी पीएम को मारा तो कोई उनको बचाया नहीं? अरे कोई नहीं बचाया। अरे ये टकला नेता कैसा है, उसके घर के बाहर दिन दहाड़े पीएम को मार दिया 8-10 लोग मिल के, वो झांकने तक भी नहीं आया, कैसा पागल है ये टकला। कहीं ऐसा तो नहीं ये टकला का प्लानिंग है, पीएम को लुड़का दो और उसके बाद उसकी गद्दी पर खुद बैठ जाओ। ये टकला से बच के रहना होगा, ये टकला बहुत शातिर चीज है। अभी बचुआ को जाकर देखते हैं, समझ में आएगा कि वो मर्डर कराया है कि नहीं कराया है, सब पता चलेगा, अभी खुलासा होगा। अगर मर्डर कराया होगा तो जरूर बैठ के अभी पार्टी कर रहा होगा चुपके। टकला नेताजी क्या कर रहे हैं आप फोन में, आप तो कभी इतना ज्यादा फोन चलाते नहीं है। अरे बहुत बढ़िया चीज निकला है, गेम खेल रहे फोन में, गेम का गेम भी खेल रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा गेम खेल रहे हैं जिससे पैसा भी कमा रहे हैं आप? चलो हम ही बता देते हैं, हम लोग घर बैठे गेम खेल कर पैसा कमा सकते हैं। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclash.com। स्किल क्लैश? हाँ सही सुना, स्किल क्लैश, इसके बारे में तो सुना ही होगा। हाँ ये वही वेबसाइट है जिस पर तुम रोज गेम्स खेल कर 300-400 रुपए रोज के कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुमको कोई भी ऐप या कोई भी एपीके अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल, स्कैप, रन जैसे कई मजेदार गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो, और जीते हुए पैसे पेटीएम, यूपीआई या अमेजन पे पर इंस्टेंटली निकाल सकते हो, और अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो उसके अलग पैसे मिलेंगे, और उनके बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ उसके भी पैसे मिलेंगे। स्पेशल टूर्नामेंट में हेडफोन, मोबाइल, बाइक जैसे प्राइज भी जीत सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया है, मतलब यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग गेम्स खेलते हैं, तुम भी ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ए टकला तुमको शर्म वरम आता है कि नहीं आता है? हम तुम्हारे तरह लड़की नहीं है जो शर्माएंगे, समझे? ए टकला हम तुमसे उस शर्म का बात नहीं कर रहे हैं, लड़की वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं तुमको कोई शर्म वरम है कि नहीं, कि बेशर्म आदमी है तुम। अरे जब हम कोई गलत काम किया ही नहीं है तो शर्म किस बात का होगा हमको? तुम जब कद्दूपुर में पैदा हुआ था तभी सबसे बड़ा गलत काम हुआ था, तुमको तो उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए था नालायक चोर कहीं का। अरे क्या बकवास कर रहे हो जी, हैं? क्या बकवास कर रहे हो, हमारे घर में घुस के निकलो ना घर से, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे। रोज का तुम्हारा ये नाटक भर गया है, घर में घुसते हो बकवास करते हो। ठीक है जा रहे हैं, बाहर से जाके बकबक करेंगे, बाहर नहीं आना हमको बोलने के लिए, काहे कि बाहर हम आजाद हैं, तुम्हारा घर में नहीं बोल सकते हैं, बाहर हम खुलकर तुमको गाली देंगे, गंदा गंदा गाली देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं टकलुआ। हम कह रहे थे दामाद और ससुर का रिश्ता कायम रहे, इसीलिए तुमको घर में बोल रहे थे, लेकिन तुम बेशरम आदमी, तुम चाहता है कि हम पूरा मोहल्ला के सामने तुमको गाली देना, तो अभी देंगे हम तुमको। अरे काहे बकवास कर रहे हो जी, घर में घुस के तुम क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बोलो। पहले अपना दिमाग और कान को साफ कर लो, अभी ना तुमको हमारा बात साफ साफ समझ में आएगा, सुनाई देगा। अरे ज्यादा बकवास मत करो, समझाए ना तुमको, जो काम का बात है वो बोलो, हमारे पास बहुत काम है, तुम्हारे तो फालतू नहीं है। हाँ वो तो तुम जैसा काम किए हमको सब समझ में आ ही रहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम होगा अभी। अरे हम कौन काम किए है, कौन काम के बारे में बात कर रहे हो तुम? मर्डर करवाए हो ना तुम, हत्या करवाए हो ना। अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर, किसका मर्डर करवाए है? अरे चोर झूठ मत बोलो हमारे सामने, हमको सब पता है, पीएम साहब का मर्डर करवाया तुम। अरे क्या बोल रहे हो तुम, पीएम का मर्डर हो गया? हमने करवाया पीएम का मर्डर, और पीएम का मर्डर कैसे हो सकता है, पीएम का मर्डर होता तभी टीवी पे आ जाता न्यूज। अरे टकलवा हमने सामने एक्टिंग करता रे, होशियारी दिखा रहा हमने सामने, तुम्हारा घर के बाहर पीएम का मर्डर हो गया और तुमको पता ही नहीं है, कैसे अंठिया रहा है चोर कहीं का। अरे क्या बोल रहे हो जी, तुम होगा चोर, हमने है चोर, और हमारा घर के बाहर में पीएम का कैसे मर्डर हो सकता है, पीएम साहब अभी हम लोग का कद्दूपुर में थोड़ी ना आए हैं, अभी तो बैगन का इलेक्शन में बिजी है, कद्दूपुर कैसे आएंगे? अरे भगवा तुम किस दुनिया में जी रहे हो, किस दुनिया में जी रहे तुम, तुम्हारा बाल तो चला गया, कान का शक्ति भी चला गया, कड़े सुनने का बहरा कहीं का चोर साला। बोल रहे तुम्हारा घर के बाहर मर्डर हुआ है, पंटी आ रहा है चोर कहीं का चोर। अरे बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पीएम आया हो कद्दूपुर में और हमको नहीं पता हो, पीएम साहब ऐसे थोड़ी नहीं आएंगे कद्दूपुर में, सबसे पहले हमको आता है इन्फॉर्मेशन कि पीएम आने वाला है। अरे वही चीज तो सोच कर हम आए हैं यहाँ पर, काहे कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आया होगा कि पीएम साहब आ रहे हैं, तो मर्डर करवा दिया होगा, यहाँ आंटी आ रहा है, काहे कि कद्दूपुर में जब किसी को पता ही नहीं है कि पीएम साहब आ रहे हैं तो मर्डर कौन करेगा, तुम ही ना कर सकता है, काहे कि तुमको सबसे पहले पता चलता है।
अरे क्या बोल रहे हो जी, तुम बहुत बेसी बोलते रहते हो हमारे बारे में। उल्टा सीधा आरोप मत लगाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे ना, तो अंदर भीतर करवा देंगे, समझा? बेसी बकवास करता है। क्या बोल रहे हो? पीएम साहब आए कद्दूपुर में ना, अभी डीएम को फोन लगा के पूछते हैं। डीएम को कहे सीएम को भी फोन लगाओ, पता करो, एक्टिंग कर रहा है हमने सामने, एक्टिंग। अरे चलो ना, देखते कौन पीएम मरा है तुम्हारा, और नहीं निकला पीएम तो बताएंगे तुमको हम। हम आते हैं 2 मिनट में, ठीक है? ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया, अभी जो गेम खेल रहे थे उसका पैसा आ गया हमको। ए जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, अब आपको होश आया है, अब आप आए अपना दर्शन देने के लिए यहाँ पे। इतना देर से क्या कर रहे थे आप? अरे तुमसे जो पूछते हो बताना जी, माथा पे मत चलो हमें। एक तो पहले से ही मूड खराब है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या इतना भीड़ लगा है हमारे घर के बाहर में तुम लोग? अरे रे रे रे, एक्टिंग तो देखो, टकला नेता साला, चोर का बेटा। अरे तुम ना बाबूजी का चोर का बेटा, बकवास मत करो, जो पूछते हो बताओ। जब मर्डर हो रहा था तब आप कहाँ थे? अरे ये सवाल तो लोग पुलिस से पूछता है, हम नेता है, हमसे क्या पूछ रहे जी तुम? और किसका मर्डर हुआ है? अरे जब आपको मालूम ही नहीं है किसका मर्डर हुआ है, तो काहे घर से निकल के आए हैं पूछने के लिए? एक्टिंग करते हमारे सामने, आपको सब पता है। अरे हमको कुछ नहीं पता है, कौन मरा है सीधा सीधा बताओ, नहीं तो जूता खोल के मारेंगे अभी तुमको पकड़ के। पीएम मर गया है। जब पीएम को 8-10 आदमी मिलके मार रहा था तब आप कहाँ थे? जूता मारिएगा हमको, जूता तो हम लोग को आपको मारना चाहिए। बेकार है ना, आपको वोट देके मंत्री बनाए हैं हम लोग। अरे क्या बोल रहे हो, 8-10 आदमी मिलके पीएम को मारा? पीएम कब आया था कद्दूपुर में? देखो तो एक्टिंग कैसे कर रहा है टकला कहीं का, जैसे उसको मालूम ही नहीं है पीएम कब आया था कद्दूपुर में। पीएम कब आए थे और क्यों आए थे, अभी ये सब फालतू सवाल मत कीजिए। जब पीएम को दिन दहाड़े 8-10 आदमी मिलके मार रहा था, उनका मर्डर कर रहा था, तब आप कहाँ थे? अरे हमको नहीं मालूम था ना भाई कि पीएम आए हुए हैं कद्दूपुर में, और उनको कोई 8-10 आदमी मिलके मार दिया। और हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि पीएम का बॉडीगार्ड क्या कर रहा था उस वक्त। अरे पीएम बॉडीगार्ड नहीं रखता था ना भाई, बॉडीगार्ड होता तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता। अरे क्या बोल रहे हो, पीएम बॉडीगार्ड नहीं रखता था? कौन पीएम था जो बॉडीगार्ड नहीं रखता था? क्या बकवास कर रहे हो? अरे पीएम को अपने ऊपर भरोसा था, वो बॉडीगार्ड कहे रखेगा। अरे कौन पीएम का बात कर रहे हो, कौन मर गया है, कहाँ पे बॉडी, दिखा दो हमको। अरे ये देखिए ना पीएम साहब को, देखिए उनका लाश को कैसे मार के गया इनको। अरे ये कौन है, ये पीएम थोड़ी ना है। अच्छा अब आप पीएम को भी नहीं पहचान रहे हैं, यही पीएम है? अरे सूरदास का बेटा, तुमको दिखाई नहीं देता है, ये पीएम है? अरे हाँ भाई हाँ, बहरा टकला, ये पीएम है। अरे बेटा तुम उनको बताओगे पीएम कौन है? नहीं है, वो 70 साल का आदमी है, ये कहाँ 20 साल का लड़का है, बकवास कर रहे हो। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुने हो ना? अरे हाँ हाँ सुने हैं। तो जब अक्षय कुमार सुनील सेठी का प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है, तो पीएम अपना प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकता है? अरे अक्षय कुमार काहे सुनील सेठी का प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा? अरे फिर हेरा फेरी नहीं देखे हो क्या? अरे हम बोल रहे हैं पीएम साहब नहीं है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अक्षय कुमार सुनील सेठी, फिर हेरा फेरी, प्लास्टिक सर्जरी, आएंगे बेटा चार जूता खोल के ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे हम जब बोल रहे हैं ये पीएम है, इतना सारा आदमी बैठ के रो रहा है, तुमको दिखता नहीं अंधा है क्या रे? अरे कौन बोलता रहे तुमको ये पीएम है, ये प्रधानमंत्री है। अरे हम कब बोल रहे हैं भाई ये प्रधानमंत्री है? अरे तब ये से तुम ही तो बोल रहे हो ये पीएम है, ये पीएम है। अरे हाँ हम ये बोल रहे हैं ये पीएम है, हम ये थोड़ी ना बोले प्रधानमंत्री है। अरे तो प्रधानमंत्री को ही ना पीएम बोलते हैं। अरे टकला तुमको कौन बोला रहे प्रधानमंत्री को पीएम बोलते है खाली? दिन में 12 बजने के बाद उस समय भी तो पीएम बोलते है, तो उसका मतलब ही प्रधानमंत्री हो गया क्या, पगला कहीं का? अरे तुम होगा पगला, तुम बाप का पगला, क्या बकवास कर रहे हो, कौन पीएम का बात कर रहे जी तुम? अरे ये पॉकेट मार था, ये जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले कंपाउंडर का पर्स मार लिया था, तभी हम लोग इसका नाम भी रख दिए पॉकेट मार। और आज दिन का घटना है, ये किसी का पॉकेट मार रहा था, पब्लिक किसी को मार दिया। अरे बेटा तो बोल नहीं सकते हो, ये चोर का लाश है, तब से बोला पीएम मर गया, पीएम मर गया, आदमी क्या समझेगा? अरे पगला काला कलूटा, क्या बकवास कर रहे थे जी तुम घर में आके, पीएम का मर्डर करवा दिया है, मारेंगे चाहे जूता ना काला कलूटा, मुंह झाड़ देंगे तुम्हारा। और कैसा पागल है कद्दूपुर का लोग सब, चोर मर गया उस पे रो रहा है बैठ के, और हमको भी बुला लिया चोर का मैयत पे। अरे तो जब कद्दूपुर में तुम लोग जैसा आदमी मरता है तब भी तो बहुत लोग रोता है बैठ के। अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जी, हम लोग चोर है? अरे हम कहाँ बोल रहे हैं, सब तो तुम ही बोल रहा है। अरे हम समझ रहे हैं, तुम इशारा इशारा में हमको चोर बोल रहे हो, हिम्मत है तो हमारा मुँह पे बोल के दिखा ना चोर। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, हमने मुँह पे हमको चोर बोलता रहे तुम? अरे हम तुमको कहाँ बोले, हम तो खाली चोर बोले, अब तुम अपने आप को समझ लिया तो हम क्या करेंगे? अरे छोटा हिम्मत का कौन सी बात करता है जी, हम तो तुमको तुम्हारे घर में खुल
बोले हम चोर बोले एक बार नहीं कई बार बोले क्या कर लिया रे तुम हमरा क्या खा लिया तुम हमरा अरे बहुत हो गया आज तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे हम आए छोड़ टकला छोड़ टकला छोड़ छोड़ अरे मैं इसको मारने का छोड़ हां चला चला अरे रे रे छोड़ 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 दो मिनट मारो छोड़ छोड़ और भाई लोगों skillclass.com पर अभी जाओ और गेम्स खेलो और पैसे कमाओ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।